हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए नए वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, और टॉप पे हम देख सकते हैं टाई बीम का काम भी चल रहा है। ये हमारी छत की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी भाई ने काम करवाना हो रूफ का और चिनाई के ऊपर है, तो प्लीज़ जो टॉप बॉटम के ऊपर टाई बीम लगवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी छत को मजबूती मिलेगी। और ख़ासकर ये ध्यान रखना है कि एंगल के बहरे भी बीच में लगवाने हैं, जिनका गैप जो है 5 फीट का रखना है, और इनका साइज जो है वो 1 फीट का रखना है। 6 इंच अंदर चले जाएंगे और 6 इंच बाहर रहेंगे, जिससे हमारी छत उड़ेगी नहीं हवा से और बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। कई बार लोगों की छतें उड़ जाती हैं तो उन्होंने 2 रद्दे छोड़ के एंगल के बहरे लगा दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है अपना। ये देख सकते हैं आप, हमारा ये कड़ा बांधा हुआ है, ये इसको हम टॉप पे रखेंगे और ये टाई बीम लगा देंगे। तो देख सकते हैं आप, यही इसी से मजबूती होगी। तो वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस रूफ के ऊपर हमारा कितना मटेरियल लगेगा, और कौन कौन सी पाइप, कौन सा एंगल, कौन सी पत्ती, और चादर कितने प्रकार, कौन सी लगेगी, कितने फुट की लगेगी, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। स्क्रू के बारे में बताऊंगा, वेल्डिंग रोड कौन सी आपने यूज़ करनी है वो बताऊंगा, और यहाँ पे जो 4 पिलर लगेंगे हमारे उनके बारे में भी बताऊंगा, कौन सा साइज लगाना है आपने। तो देख सकते हैं आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने यहाँ पे जो है टाई बीम लगवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी छत बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और कोई भी नुकसान नहीं होगा हमारी छत को। तो प्लीज़ कंस्ट्रक्शन का काम करने पर लास्ट में टाई बीम जरूर लगाएं, और ये हमारे छत की बैकबोन है ये। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें।